अभी 2 बज गया है, पता नहीं सबका लंच करने के लिए होगा, फिर भी मेरा 2 मिनट का बोल रहा हूँ, बोलूँगा। मुझे इतना हिंदी आता नहीं है, सुरेंद्र जी ने बोला आप थोड़ा सा हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे सबका सुनने के बाद मुझे पता नहीं कैसा हिंदी बोल सकता है, मैं ट्राई करूँगा। माफी चाहता हूँ। मैं अम्बेडकर का कॉन्ट्रीब्यूशन नेशनल बिल्डिंग के बारे में बोलने के लिए बुलाया था, बट लेकिन सबसे सुनने के बाद और सब विद्यार्थी के सामने मैं ज़्यादा बोल नहीं पाई है, क्योंकि सबको जानता है अम्बेडकर क्या है, क्या किया है, इसी का वजह से हम लोग इतना दूर पहुंचा है, इसलिए कोई शक नहीं है। इसलिए मैंने एक तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप फ्रॉम ए विलेज, उसी एक्सपीरियंस आपका साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग आगे कैसा जाएंगे उस पर एक रास्ता मिलने का चांस है, उम्मीद है। मैं एक गाँव से पढ़ता रहता था, गाँव तमिलनाडु के अंदर एक गाँव है। अब पढ़ने के टाइम में प्लेन के देख के पत्थर मारता था, पत्थर इसलिए मारता था ताकि पत्थर ऊपर पहुंचाए, लेकिन कभी पहुंचा नहीं है। मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी में पहुंच गया हूं, जो एयरपोर्ट चलाते हैं इंडिया में 125 एयरपोर्ट है वो चलाते हैं हम लोग, मैं उसमें से एंगेस्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, आई लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे बहुत खुशी हुआ, इसका मेन कारण है सोच। हम जब बढ़ते थे पत्थर फेंकते थे, मैं सोचता था कैसा पहुंचेंगे, कोई चिड़िया था नहीं है, लेटर था नहीं होता पहुंचने का, कैसा पहुंचेंगे। इसका एक ही कारण है, किसी तरह हम पहुंचना है। अब वो उस दिन हमने डिसाइड कर दिया, उसके बाद हमें कैसा अचीव करना, हम गांव से इतना फैसिलिटीज नहीं होता, धीरे धीरे से मैं टाउन स्मार्ट टाउन में पढ़ा हूँ, इसके बाद चेन्नई सिटी आया हूँ, वहाँ पढ़ा हूँ। और लेकिन पढ़ा के टाइम पर एक ही मेरा ये ऑब्जेक्टिव होता था, सुबह से शाम तक पढ़ो, रात तक पढ़ो, नींद में पढ़ो। नींद में कैसा पढ़ेंगे आप लोग सोचेंगे, नींद में भी पढ़ सकते हैं, आपका जो भी डाउट होता है उसको उसी नींद में से पढ़ो, आपको जरूर आपको विचार आगे बढ़ेंगे, ये सच है। मैंने इसी तरह भी पढ़ा है, इसलिए पढ़ने का है, आप जितना भी टाइम पढ़ सकते हो पढ़िए, बोर हो जाएगा दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, ऐसा नहीं एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं बोर हो गया मैं इधर जाऊँगा उधर जाऊँगा, कोई जरूरत नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, अगर वो बोर हो गए तीसरा सब्जेक्ट पढ़िए, ये आपको विचार होना चाहिए, एक आपको मन में फिक्स कर लो, आज हम इधर है हम आगे कहाँ जाना है, इसका जरूर आप एक ऑब्जेक्टिव बना दीजिए, उसी का आप सोचते रहिए। नींद में भी सोचिए, आपका सब्जेक्ट में नॉलेज है, अब अनलेस यू गेट फर्स्ट क्लास आउटस्टैंडिंग यू आर नॉट गोइंग टू स्टैंड इन द सोसाइटी। अब सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए आपको 5 साल मिला है। मैं मेरा फ्रेंड्स का बोलता था, आपको खाने के लिए कुछ मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन जितना पढ़ते हैं उतना ही खाना भी हो जाता है, क्योंकि 5 साल पढ़ो। अब 5 साल ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो, आप डिग्री कोर्स हो, 5 साल आन बंद करके पूरा पढ़ता रहिए, 50 साल तक आपको कोई जरूरत नहीं है, आराम से जी सकता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर इसका बाद सोसाइटी में जितना भी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अगर हम पढ़ाई में ज़्यादा नहीं है, फिर हम जाए इंट्री में जाए फेल हो जाए, हम मन में बड़ा दर्द आ जाता है, वो नहीं होना चाहिए। आपसे बढ़ के कोई नहीं है, चाहे बाकी कास्टों में से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका जितना दिमाग है उतना है, खाली ये विचार होता है। कई लोग 3 घंटे पढ़ते हैं, कई लोग 2 घंटे पढ़ते हैं, कई लोग 6 घंटे पढ़ते हैं, ये अपना अपना दिमाग शार्पनेस का फॉर्म है। इसलिए आप कोई भी अपना विचार देख लीजिए, कभी भी है आप डिसाइड कर लिया यस आई विल अचीव, इसे अचीव करने के लिए टाइम फिक्स कर दीजिए, उसी टाइम के अंदर आपने रोल करना सीखो, अब बाकी चीज इधर उधर घोड़े की तरह चलना सीखो, उसी में देखो उसी में करो, आपको आराम से रिजल्ट आ जाएगा। अब एग्जाम के बारे में कभी भी टेंशन नहीं होगा, अब पढ़ लिया आप आराम से जाके लिख सकता है, ये जरूरी है सब स्टूडेंट का है। अगर ये थोड़ा सा भी दिशा चेंज हो गया तो फ्रेंड आ गया इधर चला गया उधर चला गया, लेकिन डाइवर्शन ऑफ योर माइंड इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग एट दिस एज। हम लोग पढ़ाई में कर लीजिए, बिकॉज हम लोग तो मोर ऑर लेस वी हैव गॉन थ्रू ऑल लाइफ,
नाउ यू आर द यंगर जनरेशन, आपको चैलेंजेस मल्टीपल है, अभी सोसाइटी के ऊपर भी है, अपना ऊपर भी है, अपना फैमिली के ऊपर भी है, सारा आपका ऊपर आ गया। सो इसका कैसा रियलाइज करना है ये आपका हाथ में है। मैं एयरपोर्ट ज्वाइन करने के बाद आप यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना है, आसानी से बनाता नहीं है, जिसका भी ये शेड्यूल कास्ट होता है और शेड्यूल ट्राइब होता है उनको प्रमोशन जरूर नहीं होगा, आप जितना भी कोशिश करें, बट लेकिन उससे भी हम कैसा लेना है ये हम सीखना चाहिए, टेक्निक सीखना चाहिए, हमारा कलीग क्या कर रहा है, बाकी जाट वाला कैसा आगे बढ़ रहा है, इसका क्या राज है, वो हमेशा आपका आँख खुला रहना चाहिए। अगर नहीं खुला रहता है आपको पीछे छोड़ देगा, देर आर पीपल टू सपोर्ट यू, सो वो आप लोग दिमाग में रखिए, काम करेंगे भी पढ़ाई करेंगे भी आप अवेयरनेस होना चाहिए, पहले सराउंडिंग से अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, सराउंडिंग अवेयरनेस और योर कलीग, बिकॉज हाउ दे आर ग्रोइंग। अगर गलत कर रहा है आप इंडिकेट करो, रिकॉर्ड में आए यस दे मेड अ मिस्टेक एंड स्टिल यू आर प्रमोटेड, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलेगा मिलेगा जरूर। इसलिए मैं 10 साल तक पहले कोई बना था नहीं, फिर भी मैंने बन गया, दैट इज एंगेज की लीड है, वो आप लोग भी बन सकता है, आपका हाथ में है, कोई दूसरा मदद नहीं करेगा, आप सेल्फ में हो जाएगा, एक बार सीखेंगे रास्ता ऑटोमेटिक खुलता है। जैसा कश्यप जी बुद्धा के बारे में बोल रहा है, he started questioning himself, questioning his parents, questioning the surroundings, then only he got enlightenment. इसी तरह आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नहीं करेंगे जवाब नहीं मिलेगा, आपका दूर जो के आगे बढ़ जाएगा लोग, ये सबसे पहले आप लोग सीखना है। मैं एक एक्सपीरियंस जो ऑफिस में बोलते हैं, जो है ना बाकी लोग भी हमारे साथ काम करते हैं, लोग बोलते हैं हमको नीचे करके अब चले जाते हैं। एक मेरा स्टाफ था, अब ऑफिसर जूनियर ऑफिसर है, वो जाना चाहता था इंदौर में एक शनि भगवान, शनिश्वर भगवान है, वहाँ जाके हम दर्शन करेंगे तो उनको प्रमोशन मिल जाएगा। मेरे पास एप्लीकेशन लेके आया है, कहता है सर मैं वहाँ जाना है, मैंने बोले किस लिए जाना है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, आप मुझे लीव दे दीजिए। मैंने बोला आपका शनिश्वर आपके सामने बैठा है, अगर उनको आप पूजा नहीं करेंगे आप कैसा जाएंगे बताओ, वो सुना नहीं है, उनको शादी में आया नहीं है, पता नहीं मुझे, 10 साल तक आके पीछे घूम रहा था, मैंने लीव सैंक्शन कर दिया, 10 साल तक घुमा, लास्ट में उनका समझ में आया, मतलब 6 महीने का रिटायरमेंट हो पाई है, आप आके फिर मेरा बैच चुना है, मैं बोला सर किसी तरह मुझे ऑफिसर बहाने हैं, मैं थोड़ा सा इसी के साथ रिटायर होना चाहता हूँ, वो चीज़ जाती करना। फिर फाइनली मैंने बोला तुमको कौन सा कोर्स चाहिए वो दे दो ले लो, फिर करके बोला अगेन 10 साल का पहले जो इंसिडेंट हुआ वही बताया, हमेशा तुम ये मत सोचना तुम जाति में ऊंचा है तुम आगे बढ़ जाएगा बाकी लोग तुमको गुलामी करेगा, नहीं अगर वो क्यों भी होगा ना, कई जगह पर मैंने देखा, मेरा कंपनी में भी देखा है, शर्मा जी बोलते हैं, अगर मैं क्यों शर्मा जी बोल रही इसे क्लास वाले में क्लास में उसको नाम दे दूंगा, हमारा लोग का भी एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हम जितना भी पढ़ा रही आपको जितना भी ऑफिसर बनेंगे ना उनको पुकारने के टाइम पर हम ऐसे पुकारने को जरूरत नहीं है, हम लोग वो भावना से बाहर आना है। हमने कई बार देखा कई ऑफिसर का मैंने पर्सनली बुला के बोला भाई आपका पद क्या है उसके मुताबिक बिहेव करो, वो सोसाइटी में हो सकता है उनको कोई भी है, वर्ण व्यवस्था में उनको आगे होगा, हमारा ऑफिस व्यवस्था में वो नीचे है, उनको उसी तरह ही ट्रीट करो, ज़्यादा मत करो, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ा देंगे तो वो भी आगे बढ़ता है, नहीं तो वो कभी नहीं जाएगा। ये आप ध्यान रखिए, किसी का भी है आगे ज़्यादा मत करिए, उनको वर्ण व्यवस्था करो, कहीं ऊपर है उसको ऊपर है वो नहीं है, आप इसमें एक रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी के मुताबिक, इसलिए किसी का भी बोलने का अधिकार नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों अभी मैं यही करूँगा, आप एक टारगेट सेट करिए, आज आप इमेजिन करो और कल्पना करो, एक टारगेट सेट करके आज इसे आप लोग सोच लो, अब इसे कैसा अचीव करना, कभी कभी रास्ता नहीं मिलता, जो बुद्धा का भी एनलाइटमेंट हुआ नहीं मिला उसको भी 5-6 साल के बाद ही उनको एनलाइटमेंट हुआ, इसलिए है आप लोग ये मत सोचो आज मैंने सोच लिया टारगेट बनना है, तुरंत बन नहीं पाएगा, उसके लिए पढ़ाई चाहिए, उसके लिए बुक चाहिए, आजकल बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको
नोट्स ले लो, वो समय एक सेकंड भी बर्बाद मत करना है, क्योंकि फ्यूचर में आप लोग रिग्रेट होंगे। अगर मान लीजिए आप 74% ले लिया, 75 ले लेते हैं तो एक हिस्ट्री बन जाता है, आप डिस्टिंक्शन मिला है, क्योंकि आफ्टर नौकरी मिलने के बाद आपको 74-74 ही रहेगा, 60-60 रहेगा, सेकंड क्लास ही रहेगा। इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, आप जितना पढ़ सकता है, इवन आधा परसेंट एक्स्ट्रा हो गया ना, दैट इज अ लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। आप पढ़ो, आपका हाथ में सब कुछ है, आप इसीलिए अचीव कर सकता है, इसमें कोई कठिन काम नहीं है। कई लोग बोलता था अंग्रेजी नहीं आता, अंग्रेजी ऐसा चीज नहीं है, आप सीख सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, 1 घंटे का 2 घंटा पढ़ो, अब आराम से इंग्लिश सीख जाएगा। ये कोई भी लैंग्वेज कठिन नहीं है, कोई मैथमेटिक्स कई लोग डरते हैं, कुछ भी नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार प्रैक्टिस सीखो, एक बार दो बार तीन बार करो, ऑटोमेटिकली ऑल पीपल कैन अचीव। नथिंग इज मेंट फॉर एक इसी जाट के लिए एक पढ़ाई होता है, इसी जाट के लिए होता है, हमारे लिए कुछ नहीं होता, वो नहीं है। हमारा कितना ही लोग हैं, सब बड़े बड़े पद में हैं, वो प्रॉब्लम आता रहेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, प्रॉब्लम्स। अब जब इसी जाट में जन्म हुआ, इसी एससी में एसटी में जन्म हुआ ना, वो प्रॉब्लम आता रहेगा। आप समझ लीजिए, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ चैलेंज। आप कैसे ओवरकम करना है, यही आपका हाथ में होना चाहिए। आप लोग नॉलेज, आप लोग मोबाइल के अंदर सब कुछ है, यू वॉन्ट टू सर्च एनीथिंग इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड आउट, उसको सच्चाई देखना है, वो सारा कुछ आपका हाथ में है। मैं आज मैं सबका यही रिक्वेस्ट करूँगा, एक एक टारगेट बनाइए, किसी को अचीव करने के लिए आप कोशिश करिए, आप जरूर कामयाब होंगे, आपको फ्यूचर आपके हाथ में है। दूसरा, इसी का अंदर मैंने देखा कि इधर भी है, सब जगह पर हमारा कास्ट के अंदर भी एक ग्रुप दूसरा ग्रुप से बात नहीं करते, शादी भी आती है, ये सबसे गलत है। हम ऊंचा पढ़ने वाले के बोलते हैं मैं ये गलत है ये गलत है, पर लेकिन हमारा बीच में भी ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये यंगर जनरेशन में नहीं आना चाहिए, कोई भी एससी में जैसी है चाहे कोई भी है। मैंने वो देखा, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में भी कई ग्रुप है, मैं सबका बोलता हूँ आप भाई भाई से मिलना है, बस ऐसा। अब ये मत सोचो मैं उनसे शादी करेंगे तो उनको रीति रिवाज अलग है, वो स्नान नहीं करता है, वो ये नहीं करता, नहीं है। अब उसी तरह हम जितना बाकी लोग के बारे में बोल रहे हैं, बाकी हमारा कम्युनिटी को बोल रहे हैं, इसी तरह दूसरा वाले हमको बोलेगा, इसीलिए ये इस तरह ब्लेम करना, किसी का भेदभाव करना, अपना आप में छोड़ दो। अब सब भाई है, चाहे वो मद्रास से आया है वो भी हमारा है, हिमाचल से आया वो भी हमारा है, नॉर्थ ईस्ट से आया वो भी हमारा है, सब भाई भाई से करके आप एक का एक जोड़ेंगे, गहरा हो जाएगा, आप लोग आराम से सक्सेस कर सकते हैं। मेरा बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स, एंड आप लोग विचार कर सकते हैं, है 5 to 10 years के अंदर आई वॉन्टेड टू सी सो मनी IAS, सो मनी ब्यूरोक्रेट्स, सो मनी टेक्नोक्रेट्स, कई कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव, सब आपका हाथ में।